अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइड बार मेन्यू और थोड़ा सा होम पेज डिजाइन करेंगे। तो उसके लिए चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड में, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सोर्स के अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे और इसका नाम हम रखेंगे कंपोनेंट, और एक न्यू फोल्डर बना देंगे पेजेस के नाम से। तो दो फोल्डर्स आप क्रिएट करिए, कंपोनेंट्स और पेजेस के नाम से। फोल्डर स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकता है क्योंकि ये कोई कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट नहीं है, मोस्टली हम इसमें पोर्टफोलियो बिल्ड करने वाले हैं, तो फोल्डर स्ट्रक्चर से कोई खास इतना इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। आप कैसा भी इसमें फोल्डर स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, मोस्ट कॉमन में तो कुछ इसी तरीके से यूज होता है कंपोनेंट्स और पेजेस के अंदर। जितने भी राउट्स रहेंगे वो पेजेस के अंदर, और जितना भी आपका लेआउट है या फिर रियूजेबल कंपोनेंट्स है तो आप इस कंपोनेंट्स के फोल्डर में इसको रख सकते हैं। जैसे कि हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक न्यू फोल्डर बना देंगे और इसका नाम मैं रखता हूँ लेआउट, और इस लेआउट के अंदर हम क्या करेंगे, साइड बार को डिजाइन कर लेंगे या फिर कंप्लीट लेआउट बना सकते हैं, आप इसका नाम सेम रख सकते हैं लेआउट डॉट जेएस। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको फंक्शनल कंपोनेंट बना देंगे। कैसे बनाएंगे, सिंपल आप लिखे RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शन विथ एक्सपोर्ट स्निपेट। हमने जो एक्सटेंशन डाउनलोड किया था ना उसकी मदद से हमको कुछ इस तरीके से सजेशन मिलेंगे, इस पर क्लिक करिए, ऑटोमेटिकली यहाँ पर स्केलेटन क्रिएट हो जाएगा। तो ये कैसे होगा, ये होगा एक्सटेंशन की मदद से। सो मेक श्योर आप एक बार जरूर उसको ट्राई करें, ES7+ रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव स्निपेट। तो ये आपको इंस्टॉल करके रखना है, तो कुछ इसी तरीके से आपको जो है सजेशन मिलेंगे और काफी आपका टाइम इसमें बचेगा। अब ये हो गया हमारा लेआउट। अब लेआउट के अंदर हम क्या करेंगे, इस डिव के बदले फ्रैगमेंट का यूज करेंगे और इसका सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म यूज करेंगे जिसे हम कहते हैं एम्प्टी ओपनिंग और क्लोजिंग टैग। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है एक कंटेनर या फिर एक सेक्शन बना देंगे, और साइड बार बनाना है हमको पहले शुरू, तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइड बार और इसको सेक्शन कर देते हैं साइड बार सेक्शन, और इसके अंदर क्या करेंगे साइड बार की एक और क्लास ऐड कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे हम क्या करने वाले, आइकन को भी शो करा सकते हैं, तो आइकन के लिए भी एक अलग से डिव बना देंगे विद सेम क्लास साइड बार आइकॉन्स, या फिर टॉगल आइकॉन कर देते हैं इसको। ठीक है, टॉगल क्यों लिख रहा हूँ आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, फिलहाल आप क्या करें सेम नाम से क्लास बनाइए साइड बार टॉगल आइकॉन्स, टेक्स्ट ऐड कर देंगे आइकॉन का। उसके बाद में यहाँ पर साइड बार के बाद में हम क्या करेंगे, कंटेंट बना देंगे, जिसके लिए हम क्या करेंगे कंटेनर का इस्तेमाल कर सकते हैं पहले शुरू। कंटेनर बूटस्ट्रैप की क्लास है जिसमें हमको लेफ्ट और राइट से थोड़ा सा मार्जिन देखने मिल जाता है, तो यहाँ पर हमने एक कंटेनर की क्लास बनाई। फिर उसी तरीके से पेजेस में हम क्या करेंगे, एक फोल्डर बना देंगे होम के नाम से जिसमें हम होम पेज को बनाने वाले हैं। तो इसके अंदर क्या करेंगे, आप होम फोल्डर के अंदर सेम नाम से बना सकते हैं होम पेज, या फिर सिर्फ होम रख देते हैं होम डॉट जेएस। उसी के साथ में एक सीएसएस की फाइल भी बना देंगे होम डॉट सीएसएस, और इस होम पेज को हम क्या करेंगे फंक्शनल कंपोनेंट बना देंगे RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शन विथ एक्सपोर्ट। सजेशन शो करेंगे, इस पर क्लिक करिए, स्केलेटन ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक H1 ऐड कर देता हूँ फिलहाल के लिए, और यहाँ पे हम लिखेंगे होम पेज, सेव कर लेते हैं इसको। सेम उसी तरीके से यहाँ पर CSS की फाइल को इंपोर्ट कर देंगे, तो उसके लिए आपको लिखना है इंपोर्ट, फिर आपका CSS का फाइल जहाँ भी क्रिएट है जैसे कि विद इन सेम फोल्डर है अपने पास, तो सिंपल यहाँ पे हम लिखेंगे .slash और सजेशन आपको शो कर देगा। मेक श्योर यही फाइल को आप इंपोर्ट करिए, अगर कोई अदर फोल्डर के अंदर वो CSS की फाइल है तो आप फिर यहाँ से स्विच हो सकते हैं डॉट डॉट स्लैश की मदद से, आप एक फोल्डर पीछे चले जाएंगे, फिर जो भी पाथ है उस पर आपको इसी तरीके से जाना है। हमारे केस में विद इन सेम फोल्डर है तो हमने सिर्फ डॉट स्लैश और फिर फाइल का नाम लिखा है, CSS की फाइल है इसीलिए CSS आगे लिखना जरूरी है वरना ये काम नहीं करेगा। सेव कर लेते हैं इसको और चलते वापस लेआउट में, और इस कंटेनर के अंदर क्या करेंगे, इस होम पेज को यहाँ पर डिस्प्ले करा देंगे। कैसे कराएंगे, आपको सिंपली इंपोर्ट करना है होम को, तो डायरेक्टली भी आप कुछ इस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं इंपोर्ट होम, या फिर अगर आपने एक्सटेंशन डाउनलोड किया होगा ऑटो इंपोर्ट का, मैं आपको बता देता हूँ ऑटो इंपोर्ट का ये एक्सटेंशन आता है, अगर आपने इसको इंस्टॉल करके रखा होगा तो आपके उस केस में डायरेक्टली आपको ऑप्शन शो करेगा, जैसे कि अगर आप होम लिख के कंट्रोल स्पेस करेंगे ना, देखिए आपको सजेशन शो करेगा, अगर इस पर क्लिक करेंगे तो बाकी का पाथ ऑटोमेटिकली जो है इंपोर्ट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखना भूल भी जाए और वो एक्सटेंशन आपके पास इंस्टॉल हो तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल लिखेंगे हो और बाकी का सजेशन शो कर देगा, इस पर क्लिक करेंगे तब भी जो है ये एक्सटेंशन काम करेगा और आपके फाइल का पाथ ऑटोमेटिकली जो है इंपोर्ट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सेल्फ क्लोज कर देना है इसको, सेव कर लेते हैं इसको, और हमारे लेआउट पेज को हम क्या करेंगे ऐप डॉट जेएस में इम्पोर्ट कर देंगे ताकि हम इनिशियल टाइम पे उसको देख पाए। तो ये रहा हमारा ऐप डॉट जेएस, इसमें हमारे पास एक मैसेज था पहले वेलकम टेक इन फॉर YT, अब इसको कट कर देंगे, इसके बदले हम यहाँ पे लेआउट को ऐड कर देंगे। लेआउट देखिए सजेशन शो करेगा, इस पर क्लिक करिए, कंपोनेंट ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा सेल्फ क्लोजिंग टैग,
और इस डिव को भी फ्रेगमेंट का सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म बना देंगे। सो इसको कट करिए, एम्प्टी ओपनिंग और क्लोजिंग टैग सेव कर लेते हैं इसको। और बैकग्राउंड में मेरे पास एप्लीकेशन रन है, देख सकते हैं आप, यहाँ पर एप्लीकेशन हमारी रन है लोकल होस्ट पोर्ट 3000 पर। तो चलते हैं ब्राउजर में, ये रही हमारी एप्लीकेशन और यहाँ पर कुछ इस तरीके से अभी इनिशियल टाइम पे हमको हमारे एप्लीकेशन का लेआउट मिल रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और डिजाइन करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर हमने जो जो क्लासेस ऐड किए, मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ क्योंकि अभी इसकी जरूरत नहीं हमको। हम क्या करेंगे, यहाँ पर आइकॉन का भी यूज करने वाले तो उसके लिए भी एक पैकेज आता है, पहले बता देता हूँ मैं, इतना इंस्टॉल भी करके रख देंगे। तो डायरेक्टली आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं रिएक्ट आइकॉन्स, फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएंगे, इस पर क्लिक करिए। तो देखिए कुछ इस तरीके से, मैं एक बार आपको आइकन्स बता देता हूँ। इसमें बहुत सी लाइब्रेरीज है, बाई डिफॉल्ट सारी लाइब्रेरीज का सपोर्ट इसमें मिल जाता है। पहले शुरू इसको इंस्टॉल कर लेंगे, इस कमांड को आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप क्या करेंगे, जाएंगे वापस विजुअल स्टूडियो कोड में और यहाँ से हम क्या करेंगे, दूसरा टर्मिनल ओपन कर लेंगे। सो इस प्लस पर क्लिक करिए तो दूसरा टर्मिनल ओपन हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले स्विच होना है क्लाइंट डायरेक्टरी के अंदर। सो आप लिखेंगे सीडी क्लाइंट और इसके अंदर इस कमांड को पेस्ट कर देंगे, npm install react icons, इतना लिख के एंटर प्रेस करिए। तो ये लाइब्रेरी आपके रिएक्ट के एप्लीकेशन में डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी। छोटी सी लाइब्रेरी है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगी, देख सकते हैं आप ये इंस्टॉल हो रही है और सक्सेसफुली यहाँ पर ये इंस्टॉल हो चुका है। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, यानी इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर टर्मिनेट कर रहे हैं। स्टिल हमारे पास बैकग्राउंड में एप्लीकेशन की रन है क्योंकि हमने दो टैब ओपन किया था, एक टैब को मैंने क्लोज कर दिया टर्मिनल के। अब हम क्या कर सकते हैं, आइकॉन्स का यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, लेआउट में चलते हैं और यहाँ पे देखिए, पहले शुरू हम इसकी वेबसाइट पे चलते हैं। अगर हमको रिएक्ट आइकॉन्स यूज करना है तो कुछ इस तरीके से उसका सिंटैक्स मिलता है। फर्स्ट हमको क्या करना है, इम्पोर्ट लिखना है, उसके बाद में कौन से पैकेज में से हम इसको इम्पोर्ट करेंगे, फिर रिएक्ट आइकॉन्स और फिर लाइब्रेरी का नाम। तो यहाँ पर मैं बूटस्ट्रैप बता देता हूँ। तो देखिए इतने सारे ऑप्शंस अपने पास अवेलेबल है, या फिर टोटल भी अगर आप डायरेक्ट सर्च करेंगे जैसे कि मैं एरो, तो आपको बहुत से सजेशन यहाँ पर मिल जाएंगे, देख सकते हैं आप। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इन एरोज का यूज कर सकते हैं या फिर आपको जो भी आइकन यहाँ पर पसंद है तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें से हम क्या करेंगे, डबल वाला देख लेते हैं, डबल का कोई ऑप्शन है क्या, स्क्रॉल कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए ऑप्शंस बहुत सारे हैं तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, मेक श्योर आपको जो पसंद है तो आप वही आइकन यूज करिए। मैं अपने हिसाब से यूज कर रहा हूँ और मैं AI में से सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। AI में काफी सारे ऑप्शन थे, मैंने देखा था इससे पहले भी। तो यहाँ पर हम ये डबल वाला यूज कर सकते हैं, देखिए। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, टॉगलर मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। आपको जो भी आइकन पसंद है आप उसका इस्तेमाल करिए, इसको आप कॉपी कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। आपको क्या करना है, वापस जाना है विजुअल स्टूडियो कोड में, लेआउट में जाएंगे और सबसे पहले इम्पोर्ट करेंगे, इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम, फिर उसके बाद में रिएक्ट आइकॉन्स और यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको पेस्ट कर देंगे जो भी कॉपी किया था, पेस्ट। तो ये है AI आउटलाइन डबल लेफ्ट। सो स्टार्ट में देखिए यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है ना, ये लाइब्रेरी का नाम है। सो आपको यहाँ पर स्लैश लगा के उसको डिफाइन करना पड़ता है, जैसे कि AI टॉप पर है तो हम लिखेंगे AI और इस आइकॉन को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हमने नॉर्मल आइकॉन लिखा था ना, उसके बदले यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक पैराग्राफ टैग ऐड कर देता हूँ और इस टैग के अंदर हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे एज अ कस्टम HTML एलिमेंट की तरह। हमको इसको ट्रीट करना है सेल्फ क्लोजिंग टैग और इसके अंदर साइज की प्रॉपर्टी आती है, उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें इसका साइज कर देंगे 30 पिक्सल। 30 है मतलब ये 30 पिक्सल आपको शो करेगा। सेव कर लेते हैं इसको, चलते वापस ब्राउजर पर और देख लेते हैं इसको। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारे पास एरो का सिंबल आ रहा है, तो परफेक्टली ये काम कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अलाइन कर देंगे, इसको साइड बाय साइड करेंगे, उसके बाद में इसमें कलर्स भी हमको ऐड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेआउट के अंदर एक न्यू फाइल बना देंगे CSS के नाम से और इसका नाम भी मैं सेम रखता हूँ, layout.css। और इसको हम क्या करेंगे, लेआउट में इम्पोर्ट भी कर देंगे। तो यहाँ पर आइकॉन्स के बाद में हम इसको इम्पोर्ट कर देंगे, इम्पोर्ट डॉट स्लैश विद इन सेम फोल्डर है इसीलिए layout.css। सेव कर लेते हैं इसको और होम फाइल को मैं कट कर देता हूँ, अभी इसका काम नहीं है, app.js का भी अभी काम नहीं है, हम सिर्फ लेआउट पर अभी काम कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली पहले शुरू सेक्शन को टारगेट कर देंगे। सो ये जो क्लास हमने ऐड किया ना, इसको CSS में टारगेट करेंगे। सो डॉट साइड बार सेक्शन और इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्प्ले कर देंगे इसका फ्लैग, तो आप लिखेंगे डिस्प्ले फ्लैग, सेव कर लेते हैं इसको, चलते वापस ब्राउजर में। तो ये साइड बाय साइड यहाँ पर शो कर रहा है, देख सकते हैं आप। इसके बाद में हम साइड बार को टारगेट करेंगे, तो जो भी आपने क्लासेस के नाम यहाँ पे दिए ना, मेक श्योर वही चीज आप यहाँ पे लिखें, वरना स्पेलिंग मिस्टेक होंगी तो फिर CSS की क्लासेस काम नहीं करेंगी। अब साइड बार के अंदर हम क्या करेंगे, इसकी हाइट सेट कर देंगे, तो आप लिखेंगे हाइट, इसको कर देंगे 100 व्यू पोर्ट हाइट। उसके बाद में इसका कलर भी मैं ऐड कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर, तो यहाँ से बैकग्राउंड कलर और इसको हेक्स कलर में ऐड कर देता हूँ। आपको जो भी कलर पसंद है आप वो यूज करिए, मैं यहाँ पे कस्टम मैंने कुछ कलर्स निकाल के रखे तो उसका मैं यूज करूंगा, जैसे कि 1E, 1E और 2C, तो ये कलर मैं यूज करूंगा।
उसके बाद में यहाँ पर इसकी विड्थ भी सेट कर देंगे, इसको कर देते हैं 90 पिक्सल, 90 पिक्सल इनफ है, सेव कर लेते हैं इसको और एक बार देख लेंगे। चलते वापस एप्लीकेशन में, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये अभी शो करेगा, देख सकते हैं आप, और आइकन हमारा भी विजिबल नहीं हो रहा है। मगर यहाँ पर अगर आप और जूम करके देखेंगे ना, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ जूम करके, यहाँ पर आइकन स्टिल है हमारे पास। इसको भी हमको थोड़ा सा डिजाइन करना है। पहले शुरू हम क्या करेंगे, इसके लिए जो क्लासेस क्रिएट कर लेंगे, फिर उसको अप्लाई कर देंगे। चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड में, और इसके बाद में जो टॉगल है ना, उसको टारगेट कर सकते हैं। टॉगल की हमने क्लास लिखी है कि एक बार देख लेते हैं, टॉगल आइकॉन से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको टारगेट कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इसमें पेस्ट कर देंगे, और इसमें हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे पहले शुरू। तो डिस्प्ले फ्लेक्स, थोड़ा सा स्क्रॉल कर देते हैं, अलाइन कर देंगे आइटम्स को, और इसको मैं कर देता हूँ राइट में। उसी के साथ में जस्टिफाई कर देंगे कंटेंट को, इसको भी राइट में कर देंगे ताकि हमारा आइकॉन राइट साइड में रहे। और उसके बाद में इसका जो कर्सर है, इसको कर देंगे हम पॉइंटर। तो आप यहाँ पे लिखे कर्सर पॉइंटर, सेव कर लेते हैं इसको। सेव करने के बाद चलते हैं वापस और रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर तो अभी कुछ इफेक्ट हमको देखने नहीं मिल रहा है आइकॉन्स। अच्छा, हमने यहाँ पर डॉट भूल गए, तो यहाँ पे आप डॉट ऐड कर दे, क्योंकि ये क्लास है। अगर आईडी रहेंगी तो फिर हमको हैश यहाँ पर डिफाइन करना पड़ता है। चलते हैं वापस ब्राउजर पर, तो देखिए यहाँ पर आइकन बराबर आ चुका है, मगर इसका कलर शो नहीं हो रहा है ना। और अगर आप नोटिस करेंगे तो हैंड का सिंबल भी शो कर रहा है, यानी कि कर्सर पॉइंटर की क्लास भी बराबर से काम कर रही है, और काफी टॉप पे चिपक के आ रहा है, तो उसको हम मार्जिन भी दे सकते हैं। तो चलिए इसको हम टारगेट कर देंगे। अब ये आइकॉन्स जो रहते हैं ना, हमने जो अभी आइकॉन्स की लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया है रिएक्ट आइकॉन्स को, तो ये सारे आइकॉन्स जो है ना, ये एसवीजी आइकॉन्स है। यानी आप इसको कितना भी इसका साइज बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, डायरेक्टली एज अ एसवीजी हम इसको टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम क्लास को यूज कर लेंगे आइकॉन्स। आइकॉन्स में पैराग्राफ टैग है और उसके अंदर हमारे पास है आइकन, तो उसको हम यहाँ पर टारगेट करेंगे। और इसका बैकग्राउंड कलर मैं चेंज कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर, और मेरे पास इसके लिए कलर है जैसे कि हैश F2967। और इसका जो फोर कलर है, यानी टेक्स्ट का कलर जो भी है, इसको कर देंगे व्हाइट। उसके बाद में मार्जिन भी दे देंगे टॉप से, सो मार्जिन टॉप ऑफ 30 पिक्सल इनफ रहेगा। सेव करके एक बार चेक कर लेते हैं। चलते वापस एप्लीकेशन पर, ये रही हमारी एप्लीकेशन। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये शो करेगा, और 30 पिक्सल इनफ है, इतना चलता है। इसमें हम क्या करेंगे, आइकन्स भी शो कर देंगे और इसको एक्सपेंडेबल बना देंगे। और यहाँ पर जैसे क्लिक हो तो राइट का एरो शो होना चाहिए, तो ये भी फंक्शनैलिटी अभी हमको देखना है। तो उसके लिए हमको स्टेट लगेगा, क्यों स्टेट लगेगा, देखिए अब ये जो क्लिक इवेंट है, इसको हमको स्टोर करना है। तो स्टोर कहाँ पर करेंगे हम, कोई ना कोई स्टेट के अंदर स्टोर कर सकते हैं, या फिर आप रिडक्स का यूज कर सकते हैं। नॉर्मल हमको स्टेट तो लगेंगी, तो हम क्या करेंगे, यूज स्टेट हुक का इस्तेमाल कर लेंगे। और आपको जाना है लेआउट में, टॉप पे हम क्या करेंगे, पहले शुरू यूज स्टेट हुक को ऐड कर देंगे, जिसमें हम स्टेट को बना सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर स्टेट बना देंगे कॉन्स्ट, और इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि मैं कर देता हूँ टॉगल सेट। टॉगल एक गेटर फंक्शन होता है, सेकंड वाला सेटर फंक्शन होता है, जिसमें हम वैल्यूज को मैनिपुलेट कर सकते हैं। यूज स्टेट और इनिशियल वैल्यूज की कर देंगे हम फॉल्स, या फिर आप ट्रू भी कर सकते हैं, बाद में आप अपने हिसाब से भी चेंज करिए। मैं इनिशियल टाइम पे इसको ट्रू कर देता हूँ, और एक फंक्शन बनाएंगे जिसकी मदद से हम चेंज कर पाए, चेंज क्या करना है हमको, टॉगल को। सो उसके लिए एक फंक्शन बनाने वाले, चेंज टॉगल। और जब भी आप रिएक्ट में फंक्शन बनाएंगे तो आप स्टार्ट में हैंडल लिखिए या फिर बाद में हैंडल लिखिए, तो ये नेमिंग कन्वेंशन है फंक्शन के लिए फॉलो की जाती है। तो आप भी सेम चीज फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे बनाता हूँ कॉन्स्ट, और इसका नाम मैं रखता हूँ हैंडल टॉगल इक्वल टू एरो फंक्शन। ये रहा एरो फंक्शन, और इसमें सेट कर देंगे हम टॉगल को, तो आप लिखेंगे सेट टॉगल, और इनिशियली ये ट्रू है, तो हम क्या कर देंगे, इसका रिवर्स कर देंगे, तो नॉट लिखना है। और नॉट में जो हमारे पास स्टेट है, तो स्टेट में इनिशियल टाइम पे ट्रू है, तो नॉट का मतलब क्या होगा, ये रिवर्स हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा फॉल्स। सेव कर लेते हैं इसको। अब इस फंक्शन को आप असाइन कर सकते हैं इस पैराग्राफ के अंदर, तो कैसे करेंगे, सिंपल है। इसके ऑन क्लिक इवेंट पे हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को असाइन कर देंगे, आप लिखेंगे हैंडल टॉगल। सेव कर लेते हैं इसको। चलते हैं वापस एप्लीकेशन में, ये रहा हमारा एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करेंगे। मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ पहले, और यहाँ पर स्टेट चेंज नहीं हो रही है। अच्छा, स्टेट चेंज हो रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी वैल्यू अपने पास नहीं मिल रही है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड आइकॉन यूज कर लेंगे। इसके बाद में देखिए यहाँ पर राइट वाला है ना, सो इसको कॉपी कर लेंगे और कंडीशनली इसको डिस्प्ले करा देंगे। सबसे पहले इम्पोर्ट्स के बाद में आप कॉमा लगाए और यहाँ पर इसको ऐड कर दें। उसके बाद में यहाँ पे जाएंगे हम पैराग्राफ टैग के अंदर, और यहाँ पर टर्नरी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे इफ एल्स कंडीशन देखते हैं ना, तो डायरेक्टली हम इसमें टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर टॉगल, टॉगल की क्या है, अपनी स्टेट है, अगर ये ट्रू है तब क्या करो, एक आइकन शो करो। आप चाहे तो इसी को जो है कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और
एल्स की कंडीशन भी आप ऐड कर देंगे। सो मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और इसके अंदर पेस्ट कर देंगे, और इसमें भी पेस्ट कर देता हूँ मैं। पेस्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर जो लेफ्ट है ना, उसके बदले हमने राइट का आइकॉन ऐड किया है, तो आपको सजेशन भी शो कर देगा। इस पर क्लिक करिए, सेव कर लेते हैं इसको, और कुछ इस तरीके से अभी हमारी कंडीशन रहेंगी। अगर टॉगल ट्रू है तब जो है लेफ्ट वाला आइकन शो करो, और फॉल्स है तब जो है राइट वाला आइकन शो करो। और नीचे वाला मैं रिमूव कर देता हूँ, ये एक्स्ट्रा हो गया, सेव कर लेते हैं इसको। चलते वापस ब्राउजर पे, ये रहा ब्राउजर। अब इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे आइकन का एरो चेंज हो रहा है, और ये कुछ इस तरीके से भी दिखाई दे रहा है। अब इसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, इसका साइज भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर ये कोलैप्स रहेगा या फिर टॉगल होगा ना, तो इनिशियली हम आइकन भी शो करा सकते हैं, मेन मेन्यूज भी यहाँ पर डिस्प्ले करा सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो CSS है ना उसको फिर कंडीशनली चेंज करेंगे। पहले शुरू हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक न्यू क्लास बना सकते हैं जिसमें हम टॉगल को मैनेज करेंगे। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, साइड बार के नीचे एक क्लास बना देता हूँ, साइड बार, और इसको कर देते हैं टॉगल। अभी इसको क्रिएट करना है हमको, और इसमें हम क्या करेंगे, विड्थ को चेंज कर देंगे। तो विड्थ इसको कर देंगे 200 पिक्सल या फिर 230 पिक्सल, सेव। और इसको हमको कंडीशनली रेंडर कराना है। कहाँ पे, देखिए यहाँ पर जो है ना, हम क्या कर सकते हैं, क्लास नेम को भी कंडीशनली रेंडर करा सकते हैं। उसके लिए आप क्या करें, सबसे पहले इसको रैप कर ले कर्ली ब्रेसेस के अंदर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम जैसे हमने यहाँ पर टर्नरी का इस्तेमाल किया था, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी टॉगल का इस्तेमाल करेंगे। टर्नरी के लिए अगर टॉगल है तब क्या करो, एक कंडीशन, उसके बाद में फिर एल्स के अंदर एक और कंडीशन। तो ये दो कंडीशन हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, क्लास नेम चेंज कर रहे हैं, तो डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं। अगर ये ट्रू है तब क्या करो, साइड बार शो करो। कौन सा साइड बार, अभी हमने क्लास ऐड की थी ना साइड बार टॉगल की, सो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे ऐड कर देंगे। अगर ये ट्रू है तब क्या करो, साइड बार टॉगल शो करो, एल्स साइड बार शो करो। और साइड बार में देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पर कलर्स भी ऐड किए हुए ना, तो ये प्रॉपर्टी भी हमको चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले शुरू जो है ना साइड बार टॉगल का यूज कर लेंगे, उसके बाद में फिर साइड बार का इसमें भी यूज कर लेंगे। तो इसमें क्या होगा, सिर्फ जो न्यू क्लासेस है वही अप्लाई होंगी, और फर्स्ट वाले में जो क्लासेस है वो बनी रहेंगी। सेव कर लेते हैं इसको, चलते वापस एप्लीकेशन में। तो देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर शो कर रहा है, ये रहा हमारा टॉगलर। इस पर क्लिक करेंगे तो उसका साइज भी कम ज्यादा हो रहा है, देख सकते हैं आप। जैसे ये एक्सपेंड रहेगा तब हम जो है पूरे मेन्यू टेक्स्ट के साथ में डिस्प्ले कराएंगे, वरना सिर्फ हम यहाँ पर आइकॉन्स को डिस्प्ले कराएंगे। तो परफेक्टली ये फंक्शनैलिटी काम कर रही है। अब हमको इसके अंदर के मेन्यूज पर काम करना है।